सुबह मेरी तू है शाम है, होना मने तेरा गति शरे आम है, तेरा नाम लेके दिल करे से दुआ। तो गाइस मेरे साथ डेली की तरह है मेरे पम्मू भैया, मिस्टर पवन भैया, जो कि हर ट्रिप में मेरे साथ जाते हैं। और चलिए अब हम बाइक में बैठे और पेट्रोल हो चुका है फुल, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप है। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और निकल अभी हम मॉल पे हैं और काफ़ी सारे लेने हैं जो कि अभी हम जाने वाले हैं सूट पे पर उस्मानिया में। तो मॉल में भी कुछ कपड़े लेना है और इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ और पवन भैया को लेना है। तो आप भी देख लीजिए, बताइएगा कौन सी सही है। पवन भैया तो बोल रहे हैं कि ये वाली लेने के लिए मेरे साथ सेम। तो पवन भैया आपको कौन सी लेनी है? तो पवन भैया ने सेलेक्ट किया है लोअर, काफ़ी अच्छा है, इसको भी रख लेते हैं। और पवन भैया, चलिए हम दोनों की टी शर्ट हुई सेम कलर है हमारी टी शर्ट पवन भैया की और मेरी ये है। तो अभी हम इसको लेके चलेंगे परसमनिया सूट पे। आज हम यहाँ पे ज़्यादा तेज नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लगी है और यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। तो चलिए गाइस हम थोड़ी अभी और शॉपिंग कर लें जो जो लेना, उसके बाद हम चलेंगे वीडियो शूट। तो अभी हम सामान सब ले चुके हैं क्योंकि कैरी बैग में है, हम जा रहे हैं। हम लोग अभी डिग्री कॉलेज के सामने, ये डिग्री कॉलेज, और हम अभी सूट में जाने वाले और हमारे साथ है योगेंद्र राजा, पवन भैया जो हर बार रहते हैं हमारे ब्लॉग में, और ये हमारे चाचा जी हैं। तो अभी हम यहाँ पर उस्मानिया के लिए निकल रहे हैं और ए टू जेड तेरे सारे यार जाते जट्टा वाले दिल जट्टा वाली मत यार। कैसी लोकेशन है, क्या प्यारा नजारा है यार, काफी धूप है। पवन आई पवन, तो हम आपको काफ़ी प्यारी लोकेशन में लाए हैं जो कि हमारा ये परसमनिया साइड है और हमारे साथ पवन भैया आपको ये लोकेशन दिखवाने के लिए थोड़ी यहाँ पे रुके हैं। तो गाइस कैसी लोकेशन है आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे साथ है, मुझको अब ये होश नहीं है, ये दम है कि रात है। आशिक तेरा दिल है मेरा, करता है ये आशिकी, तू है मेरी शोक हसीनो, तू है मेरी जिंदगी, तेरे प्यार में जानम मेरा हर दिन हर पल गुलजार हो गया। हम आपको परसमनिया पहाड़ ला चुके हैं और हम अभी पहाड़ चढ़ रहे हैं, काफी ऊंचाई है यहाँ और देखिए कितना बेहतरीन लोकेशन है और ये ऊंचा पहाड़ है, काफी ऊंचा पहाड़ है। FM, तो हम आपको परसमनिया लाने वाले थे और हम परसमनिया पहुंच चुके हैं और अभी हम आपको लोकेशन दिखाने वाले हैं। तो यहाँ इतना बेहतरीन लोकेशन है, आप सब एक्साइटेड रहिए ये लोकेशन देखने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। तो देखिए अभी हमारी टीम पहुँच चुकी है यहाँ और शूट थोड़ी स्टार्ट चुकी है और ये है परसमनिया जो कि वहाँ जो पुल है नीचे वहाँ पर, और हम काफ़ी यहाँ हैं, हम लोग बहुत अभी यहाँ पे हैं और यहाँ से पानी बहुत तेज चलता है, यहाँ तक जाना नामुमकिन है, यहाँ भी कोई नहीं जा पाता, वो वहाँ पर थोड़ी खाली है, वहाँ भी कोई नहीं जा पाता है। और इधर ये पानी आ रहा है यहाँ ऊपर से रिवर से और कुछ आदमी वहाँ पे हैं। तो ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई, मेरी आशिकी पसंद आई। तो यहाँ वाली हमारी शूट कंप्लीट हो चुकी है जो कि, और यहाँ की शूट कंप्लीट हो चुकी है हमारे चैनल में, और हमारे राजा भैया बहुत अच्छा है यहाँ काम, बहुत साथ दे रहे हैं राजा भैया, कुछ चीज़ें होती है तो हमेशा करते हैं और यहाँ काफ़ी मदद की है। मैं भी वहाँ जाके या पानी में बैठ के पवन भैया वहाँ जाके मेरी हेल्प, और ये है हमारे योगेंद्र भाई जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आइएगा आप, तो ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम पहुँचे। और यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, ये भी बहुत गलत की हैं, यहाँ पे इनको लड़के लाए हैं, तो ये भी गलत की है, यहाँ पे ऊपर आने की जगह नहीं है, तो इस कारण से मैं यहाँ का सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ जाओ, हम लोग भी नहीं गए, हम लोग भी बच्चे हैं, हम लोग भी चाहते चले जाते बट हम लोग नहीं गए।
चलिए काफ़ी अच्छी लोकेशन थी और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोकेशन कैसी है। फोटोग्राफर का प्रिंस बनकैरी जो कि फोटोग्राफर है एंड योगेंद्र सिंह, तो चलिए गाइस हम यहाँ से पैकअप करें। मेरे शूज़ भी पड़े हैं, दिस इज माय फेवरेट शूज, जो कि सबको नहीं पता है ये मेरे बहुत फेवरेट शूज़ हैं। तो मैं आपको एक लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि इसके अंदर लोकेशन पता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। भरूच है, भरूच यहाँ से 5 किलोमीटर है। यहाँ का एक पहाड़ बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं भरूच द्वार यहाँ लिखा है। इसके अंदर एक बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ पहाड़ है। तो चलिए गाइस मैं यहाँ जरूर आपको कभी ले आऊँगा, यहाँ उचहरा का लोकेशन ये भरूच। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको यहाँ जरूर एक दिन आऊँगा घुमाऊँगा। तो हम अभी निकल रहे हैं सपना की तरफ, शूट कम्प्लीट हो चुकी है तो बाय। हे गाइस मैं अभी आ चुका हूँ बस स्टैंड में और यहाँ आपसे आज एक खास पर्सन से मिलवाने वाला हूँ जो कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि मेरे साथ हमेशा रहता था। आप गेस भी कर सकते हैं और सोचिए जरा कौन मेरे साथ हमेशा रहता था और आज बहुत दिनों बाद लॉकडाउन में मेरे से मिल रहा है, और वो है मेरा शिवांग पांडे, मेरा भाई है। मुंह भी खोल लो यार, दिखाई दो। शिवांग पांडे प्रोकर यहाँ सतना आता है कोचिंग करने कोरोना भी टाइम में, और अपने भाई लोग आ चुके हैं यहाँ बस स्टैंड। तो अभी मैं इससे थोड़ी मिलूंगा, बहुत दिन बाद मिला है मेरा भाई, और यहाँ के बाद हम सीधे घर के लिए निकलेंगे। और काफ़ी लेट हो चुके हैं, 7 भी बज रहे हैं और घर में भी फिर अब तो आप जानते ही हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको अब सीधे ब्लॉग ख़त्म करता हूँ और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपके साथ आता हूँ। तो